हूँ आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो पंजाब पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर हरियाणा, पंजाब और यूपी में है। धरना प्रदर्शन और महापंचायतों के जरिए किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों को छोड़कर तमाम दल किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। पंजाब सरकार शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है और ऐसे में लगता है कि अब पंजाब के कैप्टन सरकार ने किसान आंदोलन से तौबा कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब किसानों से आग्रह किया है कि वे केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में धरना प्रदर्शन करने की जगह इसे दिल्ली की सीमाओं या फिर हरियाणा में करें। सिंह ने किसानों से कहा कि पंजाब में 113 स्थानों पर चल रहे उनके आंदोलन से राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है और इसीलिए वे दिल्ली की सीमाओं पर जाकर केंद्र के ऊपर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आपका पंजाब है, आपके गाँव है, आपके लोग हैं, आप दिल्ली पर जो करना चाहते हैं वे करें, उन पर दबाव बनाएं और उन्हें सहमत करें। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि किसान उनका विरोध स्वीकार करेंगे और ऐसे में कैप्टन ने केंद्र से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शुरू में कृषि अध्यादेशों का समर्थन करने और बाद में किसानों के आक्रोश का सामना करने के बाद इस मुद्दे पर यूटर्न लेते हुए बादल परिवार की निंदा की और निशाना साधा। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर किया पलटवार। दरअसल उन्होंने कैप्टन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने किया है। बता दें कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पंजाब में GST कलेक्शन भी प्रभावित हुआ है। किसान आंदोलन के वजह से पंजाब में भी व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऐसे में अब सवाल है कि क्या आंदोलन के दिल्ली हरियाणा में करने वाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान क्या जायज है? आंदोलन से पंजाब को नुकसान होगा तो क्या दिल्ली हरियाणा को नहीं होगा? आखिर ये कैसे और इस तरह की सियासत और समर्थन करना चाहिए इस तरह की सियासत का? कहीं पंजाब, जी हाँ, पंजाब अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कहीं किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार पर ही ये किसान आंदोलन भारी तो नहीं पड़ रहा है? इन तमाम विषयों का और इन तमाम कहीं ना कहीं सवालों के साथ ही हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और इसका विश्लेषण करने की आज हम कोशिश करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के क्या मायने निकाले और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के आंदोलन से तौबा कर ली है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश भाटी जी हैं, किसान नेता हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। साथ ही साथ संजय राणा जी हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विजय कौशिक जी आपसे है। विजय जी, ये कैसा बयान सर कि आप पंजाब में मत करिए, दिल्ली में जाइए, दिल्ली में दबाव बनाइए? क्या अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इस तरह का बयान देना ये शोभा देता है पंजाब के मुख्यमंत्री को? नहीं, आप ये बताइए इस बयान में बुराई क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान के आप मायने को समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐसा क्यों कहा? उनके कहने का अर्थ ये था कि भाई पंजाब सरकार किसानों के साथ है, किसानों की हर बात मान रही है, जब हम किसानों के साथ है नहीं तो ऐसा ऐसी कौन सी बात आप लोगों ने मान ली किसानों की, बता दीजिए ना सर। जब हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं सर? कहने से खड़े हैं क्या? आपने क्या किया किसानों के लिए? एक बात बताइए, अगर किसानों के लिए किया नहीं होता तो जो पंजाब में किसानों की स्थिति है केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, उसको लेकर आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होते? आज हमारा हर तरीके से, आप तो विपक्षी पार्टी है केंद्र में, पंजाब में आपकी सरकार है, वैसे भी आप तो हर बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेश भाटी जी क्या पंजाब की सरकार ने किया या फिर बातों के पतासे फोड़े जा रहे हैं सर? नेहा जी, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आप दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, मैं बता दूं आज आप APN चैनल के माध्यम से
कि जहां पर भी किसान को परेशानी होगी किसान वही आंदोलन करेगा, दिल्ली से ही, हरियाणा से ही या पंजाब से ही। किसान किसी पार्टी के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, किसान अपने बिलों के लिए आंदोलन कर रहा है, किसान एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है, किसान तीनों बिलों को वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। क्या पंजाब भी देश का अंग है तो पंजाब में क्यों नहीं होगा? कैप्टन साहब इस तरह के बयान देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन्होंने किसानों की सारी समस्याएं हल कर दी? किसान किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसान इन बिलों के खिलाफ है, तो इनका आंदोलन पंजाब में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, हरियाणा में भी होगा और देश की सब जगह होगा। इसमें क्या ठीक है संजय राणा जी, जब ये कहा जाता है कि पूरे देश में आंदोलन होगा और ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरह का बयान देते हैं कि अगर आपको केंद्र पर दबाव बनाना है तो आप दिल्ली में आंदोलन करिए, दिल्ली में क्या बीजेपी की सरकार है क्या, एनडीए की सरकार है क्या? और सवाल इस बात को लेकर कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला है? ये बड़ा ही दुखद स्टेटमेंट है जो हमारे मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। बट कांग्रेस की कोई नई बात नहीं, इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर डिफरेंसेस रहते हैं और उसका कारण यह है कि 6 दशक से किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि स्वामीनाथन आयोग 2006 में आ गया था, इनकी सरकार 2014 तक थी, तकरीबन 10 साल इनके पास था स्वामीनाथन आयोग लागू करने का, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अभी विपक्ष में है तो सिर्फ भड़काने का कार्य कर रहा है किसानों को और कुछ नहीं कर रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अगर कानून के खिलाफ थे तो आप नोटिफाई क्यों कर दिया अपने स्टेट में? इन्होंने नोटिफाई कर दिया। नंबर टू, 1990 से पेप्सी जो लेस हम खाते हैं अपने घरों में, बच्चे खाते हैं, वो फार्मिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहां क्यों नहीं बंद कर दिया है? 85% जो खाद्यान्न है एपीएमसी में सबसे ज्यादा वहां खरीदारी होती है, वो उनको क्या तकलीफ है? वो अपनी सरकार अपने स्टेट में तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरे स्टेटों में किसानों को भड़काने का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको मनवानी है सरकार के पास बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। अगर हम जगह जगह बैठ के आंदोलन करेंगे उससे कुछ मिल नहीं रहा है। पिछले 10 महीने से हम सब किसान परेशान हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सब नेताओं की नेतागिरी जरूर चल रही है किसान आंदोलन पे। कई पार्टियां किसान के कंधों पे बैठ के अपने राजनीतिक चमकाना चाहती है, उसमें से कांग्रेस वन ऑफ देम है। ठीक है विजय कौशिक जी, सुन लिया होगा आपने, किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, कह रहे किया कुछ नहीं है, बस भड़काने का काम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। किसान नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि किसानों की ये जो लड़ाई है केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ है, तो उसके लिए आए प्रदर्शन करें। हरियाणा में किसानों के सिर फोड़े जा रहे हैं, वहाँ हरियाणा सरकार के खिलाफ करें। पंजाब सरकार ने क्या दमन किया किसानों का? पंजाब सरकार तो इस मुद्दे पर किसानों के साथ है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि भाई पंजाब के अंदर ये इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप ये बताइए किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसानों की कितने किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, वो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान को नहीं। ये जो आर्थिक नुकसान उठाने की बात अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसान इसके लिए जिम्मेदार है क्या? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जब किसानों से वोट लेने की बात आती है तो वो किसान होते हैं, लेकिन जब एक काले कानून रद्द करने की बात है तो कभी उनको खालिस्तान। वही तो किसान नेता कह रहे हैं सर, जब आप लोगों की बारी आती है कि आप किसानों के बारे में सोचे समझे उनके लिए कुछ बेहतर करें, तब आप कुछ कर नहीं सकते। राणा जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। दस साल इनकी सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं, किसानों के इतने चिंतक थे, इतने हितैषी थे, तो इन्होंने कुछ कार्य क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन आयोग को लागू क्यों नहीं किया? चलिए मान लीजिए 10 साल मैंने माइनस कर दे, 6 दशक इन्होंने क्या किया? अगर 6 दशक में कोई कार्य करते तो हमारे किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्ज माफी पे कर्ज माफ करते तो हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कभी कैलकुलेशन कीजिएगा कि लागत सिंचाई और सब मिला करके और सेलिंग प्राइस अगर तीनों करेंगे तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल बचता है। 6 महीने की मेहनत किसान के 2000 रुपया। किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करवाते? आप नेता है, आप एक चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट के, आप बैठिए किसानों से अपने स्टेट की बात कीजिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके केंद्र सरकार में आइए, हम कहते हैं प्रधानमंत्री के सामने बैठकर चर्चा कीजिए, हमारे नेता बनके चर्चा कीजिए। क्यों नहीं बनते आप? इनको सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकानी है, नथिंग एल्स। अभी इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, चंदूरी साहब ने बोल दिया है कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ये तैयारी कर रहे थे कि भाई किसान हमें वोट देगा, अब इनको लगने लगा खतरा
अब किसान अगर पार्टियां लड़ने लगेंगे चुनाव तो वोट बढ़ जाएगा तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, ये सब प्रोपोगंडा है जिसको क्रिएट किया जा रहा है अपने आप को बचाव कर रहे हैं। इनको अगर किसानों के हित में कार्य करना होता तो करते, लेकिन करना ही नहीं इनको। ठीक है, बातें हैं। ठीक है ब्रजेश भाटी जी, ये तो आप मानेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को दिल्ली डायवर्ट कर दिया था, इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए और बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत अच्छी नीति के साथ उन्होंने किया। और ये कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक दल ये मानते भी हैं, ये समझते भी हैं कि किस तरह से उन्होंने बेहतर रणनीति के साथ दिल्ली तक किसानों को भेज दिया। लेकिन अब उनका ये कहना है कि आर्थिक तौर पर राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है, सर इसका जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, किसान इतना पागल नहीं है जो किसी के बहकावे में आएगा। किसान को ये पता था कि भाई ये सरकार जो है केंद्र की सरकार बिल लाई है और इन बिलों को लाने वाली बीजेपी है, सत्ता में कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है। इसलिए बीजेपी का विरोध किया किसानों ने और केंद्र जो है जो सरकार जो बिल लाई है वो केंद्र से है और लोकसभा राज्यसभा दिल्ली में है, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ आया है। और रही बात कैप्टन साहब की, कैप्टन साहब कितना ही वो कर लें, किसान को ये पता है कि उसका भला बुरा क्या है, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। और आर्थिक नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस ने बिल को कैसे आने दिया, कैसे बिल सदन में पास हो गए, कितने हाउस में तालियां बजाकर ये बिल पास हो गए, क्यों नहीं इनका विरोध किया जा रहा? कोसी जी बैठे हैं, हमने इनके खिलाफ अपनी जो है अपनी 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 हमने सभा चलाई, अपनी जो कांग्रेस अपनी हमने अपनी सभा चलाई, पार्लियामेंट सेशन भी हुआ था मानसून सत्र, हमने कहा जी जी एक दिन भी मानसून सत्र चलने नहीं दिया है, उस पे क्वेश्चन रखे नहीं है। इनके नेताओं को ये नहीं पता इनको एजेंडा लेके कौन सा जाना है, कौन सी बात से डिस्कशन करना है, उसको कैसे पुट फॉरवर्ड करना है। जिनको ये पता ही नहीं है वो सिर्फ बाहर की राजनीति कर, जो डिस्कशन करना है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करिए, आप डिबेट करिए उस पर पार्लियामेंट पे, अपने विरोध दर्ज कराइए। कितने बार इन्होंने विरोध दर्ज कराया, कांग्रेस के किसी भी नेता ने विरोध दर्ज नहीं कराया और कभी भी डिस्कशन नहीं किया पार्लियामेंट में। लेकिन फिर भी बिल पास, पेगासस का मुद्दा छाए रहा सर मानसून सत्र में, तो पेगासस के मुद्दे पर विरोध करता रहा विपक्ष, किसानों की क्या बात हुई? पेगासस पे इसलिए मुद्दा छाया रहा क्योंकि किसानों पे बात कर रहे हैं, इनकी मुद्दे खुल जाए विजय कौशिक जी, क्या किसान कोई मायने नहीं रखते क्या सर? कांग्रेस के लिए भी किसान कोई मायने नहीं रखते क्या? आज भी तकरीबन 60% जनता जो है वो गांव में वास करती है, किसानी खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। जब वोटों की बारी आती है, वोट लेने की बारी आती है, तब वहां तक जाया जाता है, सड़कें भी बन जाती है, तमाम काम हो जाते हैं और एक बार फिर दावे और वादों की झड़ी लगा दी जाती है। लेकिन जब ये किसान सड़कों पे होता है तो सिर्फ बातों के कहीं ना कहीं वायदे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जी हम तो आपके साथ है सर, जब आपके साथ चीजें होती हैं तब तो आप साथ नहीं होते। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के लिए कार्य किया है, चाहे देश में हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, कांग्रेस सर स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे कहां लागू की। मैं आपकी बात 2006 अक्टूबर में आ गया था, उसके कुछ तकनीकी थे, 10 साल आप सोचिए, हमने किसानों को भरोसा दिलाया था कि भाई हम निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर किसानों के लिए काम करेंगे और जो इसकी तकनीकी खामियां हैं उनको दूर करके किसानों को और बेहतर राहत देने का काम करेंगे। सर यूपीए 1 चला ली, यूपीए 2 चला ली, लेकिन वो तकनीकी खामियां आपकी दूर नहीं हो पाई। अब किसान भी समझदार है सर, किसी के बहकावे में क्यों आएंगे? कृषि कानूनों को निरस्त करने का भी आग्रह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है और मुख्यमंत्री ने शुरू में ही कृषि का अध्यादेशों का समर्थन करने और बाद में किसानों के आक्रोश का सामना करने पर इसके बाद की इस मुद्दे पर यूटर्न लेने के लिए बादल परिवार की निंदा भी की और निशाना साधा। कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसानों के विषय पर अब राजनीति करनी चाहिए? अगर वाकई उनका हित चाहती है कांग्रेस तो आखिर उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाए? ब्रजेश भाटी जी, नेहा जी, जो पार्टी सत्ता में होती है उसको किसानों का हित नहीं दिखाई देता और जिसको विपक्ष होता है उसको किसानों की याद आती है। ये तो सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्टन साहब भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, वो भी इसमें राजनीति साधने के लिए नए नए प्रोपगंडा कर रहे हैं, लेकिन किसान को ये पता है कि भाई ये कानून दिल्ली बने हैं, लोकसभा में बने हैं, राज्यसभा में बने हैं और ये यहाँ से ही वापस होने,
इसलिए पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली की चारों तरफ बैठा हुआ है। सास तो इसमें सादत हो गई है, लेकिन अरमिंदर सिंह के कहने से, कैप्टन मुख्यमंत्री के कहने से किसान पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसान को अगर पंजाब में आंदोलन करना है तो पंजाब में ही करेगा, अगर दिल्ली में करना है दिल्ली में करेगा, हरियाणा में करना है तो हरियाणा में करेगा। ये कुछ भी करते रहे, इसको डाइवर्ट ही नहीं कर सकते। क्या इस तरह के भड़काऊ बयान देके राणा जी क्या लगता है किसानों पर कोई असर पड़ेगा क्या? वो समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा विहीन पार्टी इस समय है। ठीक है, आप देखें 3-4 स्टेट में इलेक्शन है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए किसानों के अलावा। ये चाहते हैं किसानों का मुद्दा गरमाया रहे जिससे इनकी राजनीति चलती रहे, नंबर वन। नंबर टू, मैं भाटी जी के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सही कहा कि कानून हमारे दिल्ली में बनते हैं, राज्यसभा लोकसभा में बनते हैं। अगर वो कानून कुछ बन गया है तो उस पे अगर कुछ संशोधन करना है तो हमें बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि भैया टोटल 18 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स मुझे मंजूर नहीं है और उसका रीजन ये है, कैन यू अमेंड इट, दे विल डू द अमेंडमेंट, उस पे हम डिबेट कर लें। अगर हम कोई भी कानून बना देता कोई भी गवर्नमेंट और हम बोले कि इसको काला कानून में वापस ले लो, ऐसे देश नहीं चलता है। ऐसे तो चलिए आज हम किसान है एजिटेशन पे बैठे, कल को दूसरा कोई कानून बैठेगा लोग फिर एजिटेशन बैठ जाएंगे, इस तरह देश तंत्र नहीं चलता। मैं तीसरा ये है कि जितना भी किसान नेता है हमारे, जो टिकैत हो या जो 40 किसान नेता थे जो मुजफ्फरपुर में जाके अपना बयान दिए थे, उनके बयान को आपने ध्यान से सुना है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि किसान आयोग का गठन हो, किसी ने नहीं बोला कर्ज माफी हो, किसी ने नहीं बोला कि गन्ना किसानों को प्राइस बढ़े, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने एक ही वक्तव्य दिया है कि योगी हटाओ मोदी हटाओ। भैया योगी समय क्या मतलब है, हम कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो हमें अपना किसान हित में जो भी काम करेगा हम अपने उसमें साथ हैं। जी तुम्हारा संगठन पिछले 10 यहाँ बैठा था बॉर्डर पर, जब आप कहाँ थे, जब आपकी बातें कहाँ थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आपका जवाब दे रहे हैं भाटी जी, उसका जवाब दे रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग उठ के चले गए, उसका कारण था हम किसान हमेशा देश हित में काम करता है और 26 तारीख का जो भाटी जी अगर लगता है कि इस विषय से इस समस्या का समाधान हो सकता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? बिंदुओं पर बात करिए ना, बिंदुओं पे बात करने के लिए बिंदुओं को पढ़ने पड़े, समाधान के लिए बिंदुओं को पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बुलाए हैं किसी ने भी, हम तो कहते हैं माननीय टिकैत साहब है, माननीय कोई भी नेता है, बैठ के किस मुद्दे पे आज से 2 साल पहले आपको याद होगा। ठीक है, चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। एक सवाल मेरा विजय कौशिक जी आपसे है, सर पंजाब को तो आर्थिक नुकसान हो रहा है किसानों के आंदोलन से, लेकिन जब ये कहा जाता है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कि जाइए हरियाणा जाइए राजधानी दिल्ली जाइए, तो क्या इनको नुकसान नहीं होगा? विजय कौशिक जी, इसको इस स्थिति में धकेला किसने है? केंद्र की भाजपा सरकार में धकेला है किसानों को इस स्थिति में, जो आंदोलन करने के लिए मजबूर है ना चाहते हुए भी, तो उसका खामियाजा केंद्र भुगते ना, केंद्र को पता तो चले पंजाब क्यों भुगते, केंद्र के कारनामों का परिणाम पंजाब क्यों भुगते, भुगते तो हरियाणा सरकार भुगती है जिसके अफसर ही ऑर्डर देते हैं कि किसानों के सिर भूख दो, किसानों को जान से मार दो, तो ये कहाँ की राजनीति? अभी किसान नेता कह रहे हैं कि पंजाब में तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उस पे तो आप रोक नहीं लगा पाए, ये तो बिल पास होने से पहले से ही हो रही है। ये प्रश्न पूछिए, किसानों की हर उस समस्या को हम कर देंगे जो वो ज्ञापन देंगे, अगर वो चाहेंगे कि वहाँ जो साल जितनी, मतलब हम कमा रहे हैं तो अच्छा है, दूसरा ना कमाए। भाई उत्तर प्रदेश के किसान किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसान कमाने का हक नहीं है, हरियाणा के किसान कमाने का हक नहीं, सबको हक है, सबका अधिकार है। आप अपने स्टेट में तो कुछ और कहते हो, दूसरे स्टेट में कुछ और कहते हो, इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस की आज से नहीं, जब से आजादी आजाद हुए तब से चल रही है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और सवाल यही है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद किसानों की रणनीति में किसी तरह का बदलाव होगा, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, हमारे लिए पंजाब हरियाणा दिल्ली कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ दिल्ली में इसलिए भी हम आंदोलन कर रहे हैं, बार बार हम सीमाओं पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा वहीं पर है, वहीं पर बिल कानून में तब्दील होता है और वहीं से कानून बनते हैं।
हैं, इसलिए हम राजधानी दिल्ली का भी रुख कर रहे हैं। इसी के साथ मुद्दा में इतना है, नमस्कार।